तो ये है हमारा चैनल का पहला वीडियो। आज हम बात करेंगे DJI Mini 2 के बारे में। जो DJI Mini 2 ड्रोन है वो अभी मेरे पास है फिलहाल। अभी आज इस वीडियो में हम इसी ड्रोन के बारे में बात करेंगे। ये ड्रोन का कुछ अच्छी बात भी है और कुछ बुरी बात भी है, वो भी अभी आगे शेयर करेंगे इस वीडियो में। जो आप मेरे पास देख रहे हो DJI Mini 2 ड्रोन, इस ड्रोन का कुछ अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, वो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। जो DJI Mini 2 ड्रोन है वो आपको इंडिया में जो इसका ऑफिशियल ऐप है उसमें आप 15 मीटर से ज़्यादा हाइट में फ्लाई नहीं कर सकते हो, मेन बात। और इसमें कोई देखो कोई सेंसर्स वगैरह इसमें कोई सेंसर्स वगैरह है नहीं, बस इसमें लैंडिंग का जो सेंसर है वही सेंसर है। और इसका जो गिम्बल है ये गिम्बल एक ही है, मतलब ये जो गिम्बल है बस ये आपको डाउन एंड अप डायरेक्शन में भी काम करता है, लेफ्ट राइट नहीं होता है। इस ड्रोन का जो प्राइस है अराउंड 60,000 से 65,000 के बीच में रहता है। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस ड्रोन को आप फ्लाई कर सकते हो 15 मीटर, जो इसका रेस्ट्रिक्शन है इंडिया में, तो आपको मैक्सिमम इसको 15 मीटर फ्लाई कर सकते हो। लेकिन इसका और भी ऑल्टरनेटिव कुछ एप्लीकेशन वगैरह है, उसके थ्रू आप इसको मैक्सिमम आप इसको 500 मीटर तक फ्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरे बात मान लो, इसको आप उतना फ्लाई करने का मत सोचो। अभी इंडिया में नया रूल्स आया है, नया रूल्स के हिसाब से जो ये ड्रोन है आपको, ये जो मिनी सीरीज का ड्रोन है, आप इसको मैक्सिमम 120 मीटर तक फ्लाई कर सकते हो। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ। जो DJI का मिनी 3 रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसको, उस जो ऐप का है वो आपको एक रिमोट का एक ओवरव्यू दिखाता हूँ मैं आपको बस। तो मेरे पास DJI Mini 3 Pro उसका भी रिमोट कंट्रोलर है। ये वाला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। अभी जिन्होंने अभी तक वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ये Mini 3 का वीडियो भी आ रहा है। तो मेनली इसको फ्लाई करने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसके अंदर से बेस्ट एंड फ्री एप्लीकेशन है रेनबो फ्लाई, जो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, रेनबो ने मुझे कोई पैसा भी नहीं दिया है, मैं अभी नया चैनल है आप देख रहे हो, तो रेनबो एप्लीकेशन से फ्लाई कर सकते हो। तो चलो अभी मैं छत पे चल रहा हूँ और आपको इसका फ्लाइंग टेस्ट वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है DJI Mini 2 का रिमोट और इसमें देखो कंट्रोलर है, इसमें नॉर्मल मोड है, सिनेमैटिक मोड है एंड स्पोर्ट्स मोड है। और ये है पावर बटन, ये है लैंडिंग एंड पर, और ये है गिम्बल रोटेट करने का बटन, एंड ये है कैमरा शटर बटन। प्लस इसको आप कैमरा टू वीडियो में स्विच भी कर सकते हो, एंड दिस इज द जॉयस्टिक यहाँ पर रहता है और यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हो। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं ऐसे, और मैंने ऑलरेडी केबल लगा के रखा है यहाँ पे देखो केबल लगा के रखा है, तो केबल को भी पहले निकाल लेते हैं। तो अभी निकल गया, ये है मेरा टाइप सी केबल, इसके ऊपर पहले फ़ोन लगा लेते हैं, एंड फ़ोन लगाने के बाद इसको ये वाला केबल हम यहाँ पे लगा लेंगे मोबाइल में। मोबाइल पे DJI फ्लाई ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, DJI फ्लाई जो एप्लीकेशन है, ये देखो ये DJI फ्लाई ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कर लिया हमने DJI फ्लाई ऐप को डाउनलोड, अभी ये ओपन हो रहा है, तो फाइनली ओपन हो चुके हैं। आप इसको रिमोट को नॉर्मल मोड कर देंगे और रिमोट को एक बार प्रेस करने के बाद इसको प्रेस करके रखेंगे, तो ये हो गया इसका काम। तो फिलहाल ये ऑन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसको साइड में रखते हैं। आगे अब ड्रोन ऑन करने का बारी है, ड्रोन। तो ड्रोन ऑन करने के लिए पहले आपको इसके अंदर बैटरी डाल लेना होगा, जो मेरे पास ऑलरेडी बैटरी है। सिंगल क्लिक करके आप ये इसका चार्जिंग कितना है वो देख सकते हो, इसमें भी चार्जिंग उतना है नहीं। फिलहाल इसको इसका गिम्बल, पहले गिम्बल का जो कवर है वो आप रिमूव कर लेना, और इसका जो प्रोपेलर है वो भी रिमूव कर लेना। मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे दिस ऐसे ये फोल्ड हो जाता है, ये अब फोल्ड हो चुका है। अब इसको अनफोल्ड करना है, अनफोल्ड करने के लिए देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा होगा, तो आपको पहले ऊपर वाला को निकाल लेना, बस ऊपर वाला निकाल लिया। अब नीचे की तरफ जाओ, ये नीचे वाला भी निकाल लो। आप इसका जो गिम्बल का प्रोटेक्टर है इसको निकाल लो, यहाँ पे एक लॉक होगा इसको प्रेस कर देना। इसको ऑन करने का बारी आ चुका है, ऑन करने के लिए इस बटन को एक बार प्रेस करना है, फिर इसको प्रेस करके रखना है। ये अभी ऑन हो चुका है। इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए बस कुछ भी नहीं, ड्रोन को यहाँ पे साइड में रखता हूँ मैं, और आप रिमोट पे आ जाओ, रिमोट पे आ जाओ, और
ड्रोन है वहाँ पे, आप देख सकते हो। देखो जैसे ही ड्रोन ऑन किया यहाँ पे DJI फ्लाई एप्लीकेशन आ गया, तो यहाँ पे मोड आप सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे देखो गो फ्लाई आ चुका है। गो फ्लाई करने के यहाँ पे गो फ्लाई पे क्लिक कर दो। देखो अभी यहाँ पे फुटेज आ गया। गिम्बल मूव करने के लिए ये जो पीछे का बटन है इसको ऐसे ऐसे करना होगा तो आप गिम्बल मूव करेगा। तो देखो अभी यहाँ पे फुटेज आ रहा है ना, बैटरी 61 पर, बैटरी इंडिकेटर यहाँ पे दिखाएगा ड्रोन में कितना चार्ज वगैरह है, और जो मैप वगैरह है वो यहाँ पे दिखाएगा। देखो ड्रोन अभी यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं बैक और गो फ्लाई पे फिर से क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे देखो वीडियो मोड वगैरह है, आप चाहो तो ये वीडियो फुटेज वगैरह है ये सब सेटिंग आप कर सकते हो आप, अगर आप चाह रहे हो तो। वो सब कुछ भी नहीं करूँगा, अभी देखो नॉर्मल मोड पे है तो यहाँ पे एंड मोड दिखा रहा है। अगर सिनेमैटिक मोड है ये तो सी मोड पे आ गया। अगर स्पोर्ट्स मोड पे है यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स मोड आ गया, ठीक है। देन अभी कैमरा सेटिंग के भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैमरा कैसे सेट करोगे। यहाँ पे देखो शटर स्पीड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कैमरा सेट करने के लिए शटर स्पीड वगैरह यहाँ पे दिया है। यहाँ पे प्रो मोड है, एक ऑटो मोड है, फिलहाल ये अभी ऑटो मोड पे है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है ना इसलिए ये आ रहा है। तो फ्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो दोनों जॉयस्टिक है इसको आप ऐसे नीचे करो फिर ऐसे करो। देखो ड्रोन स्टार्ट हो गया ना। अब इसको फ्लाई अप करने के लिए ये जो बटन है इसको ऐसे स्लाइडली ऊपर करो। देखा कैसे अभी ये फ्लाई कर रहा है। अब इसको आगे करने के लिए देखो, मैं भी इसको आगे कर रहा हूँ। अब देखो आगे करने के लिए यहाँ पे भी देखा थोड़ा, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, और इससे लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है, बस यही जस्ट सिंपल है। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रोन को फ्लाई करता हूँ, आप कुछ शॉट्स वगैरह लेता हूँ, वो शॉट्स आप इंजॉय करते हैं। यू कैन सी दिस, यहाँ पे मैक्सिमम एल्टीट्यूड 15 मीटर शो कर रहा है। ये भी मैं अनलॉक करके इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी देखो यहाँ से पूरा व्यू, ये मेरा गांव का व्यू है, तो ये 15 मीटर से ऊपर नहीं जा रहा है। मैं भी इसको अनलॉक करके आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा देर में। अब ड्रोन को मैं नीचे कर लेता हूँ पहले, ड्रोन अभी नीचे आ रहा है, ड्रोन अभी हमारे पास आ गया है ऑलमोस्ट। ड्रोन अभी हमने ऑफ कर दिया है, अभी मेन बात मैं इसका रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग अभी ऑफ कर दिया, इतना देर तक अभी हम लोग DJI फ्लाई एप्लीकेशन पे फ्लाई कर रहे थे। रेनबो नाम का एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, यहाँ पे सर्च करना। वही वाला बटन पीछे का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस ऐप के जो सेटिंग्स है और DJI फ्लाई ऐप जो है उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। और ये DJI फ्लाई ऐप का सेटिंग्स पे जाना है, एयरक्राफ्ट पे जाना है, और यहाँ पे जो मैक्स अल्टीट्यूड है और ये आपको सेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने 500 मीटर सेट करके रखा है, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से आप इसको मैक्सिमम 120 मीटर तक फ्लाई कर सकते हो। मैंने इसको 500 मीटर रखा है,
बस दिखाने के लिए आपको आप इसको 120 मीटर पे ही फ्लाई करना। तो ये हो गया मैक्स अल्टीट्यूड। ये देखो यहाँ पे वार्निंग आ रहा है। तो चलो अब इसको एक बार फ्लाई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ड्रोन फिर से ऑन हो चुका है हमारा। सीरियस ड्रोन हमारा फिर से ऑन हो चुका है। अब इसको फिर से फ्लाई करते हैं। सो यू कैन सी दिस, अभी ड्रोन हमारा है 28 मीटर हाइट के ऊपर, लेकिन मैं इसको 120 मीटर से थोड़ा सा ही ज्यादा फ्लाई करूंगा, लेकिन फ्लाई नहीं करूंगा। बस ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप इसका गलत फायदा मत उठाना। से दिस, ये है हमारा गांव। One thirty, one forty, one fifty.